खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। पुणे में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बीच सड़क पर एक विशाल होर्डिंग अचानक गिर गया। इसकी चपेट में आने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक 40 वर्षीय शख्स भी शामिल है जो अपनी पत्नी की अस्थियां विसर्जित कर वापस लौट रहा था। अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार पीठ के शाहिर अमर शेख चौक पर सड़क के समीप मध्य रेलवे के परिसर में लोहे के ढांचे पर एक होर्डिंग लगा था। पुलिस उपायुक्त बी सिंह ने बताया कि रेलवे के ठेकेदार करीब 2 बजे इस होर्डिंग को हटा रहा था, उसी दौरान यह सड़क पर गिर गया और कई ऑटो रिक्शा, दोपहिया वाहन तथा 4 पहिया वाहन इसकी चपेट में आ गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान शामराव कसार उम्र 70 वर्ष, शामराव धोत्रे उम्र 48 वर्ष और शिवाजी परदेशी उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच करने में जुटी है कि दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि ऐसा लगता है कि ढांचा हटाते समय कुछ लापरवाही हुई थी। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपये तथा अन्य घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। मामले में उच्च स्तरीय जांच का भी आदेश दिया गया है। पुणे से सुनील भोंगल, खबरदार।